अभनपुर के तोरला में किसान आत्महत्या मामले में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने परिवार के लोगों से मुलाकात की और 21,000 की सहायता राशि दी है। साथ ही सरकार से सहायता राशि देने के साथ साथ परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। धरमलाल कौशिक ने कहा कि सरकार के विधायक धनेन्द्र साहू के इस बयान से परिवार के लोग दुखी हैं, जिसमें उन्होंने किसान को मानसिक रोगी बताया था। कौशिक ने कहा कि मृतक किसान के परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, उसकी सरकार को मदद करना चाहिए, न कि बेतुके बयान देना चाहिए। भी कहना कि ये किसान नहीं है और साथ ही मानसिक रोगी है, जबकि पिछले समय उनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि का 2 किस्त उनको मिला है। तो इस प्रकार से उनको व्यथित करना, दुखी करना, आज तक न तो सरकार के द्वारा उनको 1 रुपए की सहायता राशि दी गई है, न ही विधायक गए तो उनको कोई 1 रुपए की सहायता राशि दी गई है। और उनके जो फसल खराब हुए हैं उस फसल के मुआवजा के राशि के लिए भी वहां कोई बात करना उपयुक्त नहीं समझा। आज जब हम लोग मिलने के लिए गए तो 21,000 रुपए हम लोग परिवार को प्रदान किए, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्थिति बहुत ठीक नहीं है इसको देखते हुए। साथ ही इस बात को हम लोग वहां पर SDM को कि उनके जो फसल खराब हुए हैं उसके मुआवजा की राशि मिल जाए तो उस परिवार को दे दें, उनका मकान की स्थिति बहुत खराब है तो इसलिए प्रधानमंत्री आवास में स्वीकृत हो जाए। और मुख्यमंत्री जी से हम मांग करेंगे सरकार से कि 25 लाख रुपए उस परिवार को सहायता राशि मिलनी। राजस्थान